तो यार आज मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा फॉर बिजनेस के लिए। तो भाई अगर आप अपना बिजनेस करते हो, आप लैपटॉप सर्च कर रहे हो, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूँ। एंड अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2 लाख है, आज हम इस बजट रेंज की बात करेंगे। एंड अगर आपका बजट 90,000 से कम है, मैंने पहले उसकी वीडियो किया, मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जितनी भी आपको लैपटॉप बताऊंगा ना, वो स्टाइलिश डिज़ाइन होंगे या प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलेगा, प्लस आपको स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरे लोडेड मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है, सबसे पहले इस बजट रेंज की बात कर लेते हैं। तो अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 हो जाता है, इस बजट रेंज में मैंने रखा है HP Omen को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड इसके डिज़ाइन एंड इसके कलर वगैरह आपको पसंद आने वाले हैं, एंड आपकी पर्सनालिटी को बहुत सूट करेगा ये लैपटॉप, प्लस इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं। अगर मैं बात करूं HP Omen की, तो ये स्टार्ट हो जाता है 80,000 से, 80,000 से स्टार्ट हो जाता है, बट 90,000 से लेके 1,10,000 के बजट में आपको स्पेसिफिकेशन पूरे लोडेड मिल जाते हैं। अगर मैं लैपटॉप की बात करूं, ये 5K डिस्प्ले सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ आप 3 एक्सटर्नल मॉनिटर अटैच कर सकते हो, प्लस आप फैंस की स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब अगर आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, वो बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हो। अगर आपका लैपटॉप हीटिंग इशू में जाता है, आप फैंस की स्पीड को इंक्रीज कर देना, उसकी जो हीटिंग इशू को बहुत माइनर कर देगा। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए आपको स्पेसिफिकेशन भी बहुत तगड़े मिल जाते हैं। आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको राइजन 5 भी मिल जाएगा, आपको राइजन 7 भी देखने को मिल जाता है, प्लस आपको SSD देखने को मिल जाती है, आपको 4GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, आपको 6GB ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 है, मैं आपको दिल से रिकमेंड करना चाहता हूँ, एक बार आप इसको चेकआउट जरूर करना, बिकॉज आपको बहुत पसंद आने वाला HP Omen। तो यार अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,15,000 हो जाता है, इस बजट रेंज में मैंने 2 लैपटॉप रखे हैं। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, लैपटॉप 2-in-1 है। अगर आपने एज अ टैब यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हो, प्लस भाई अगर आपने एज अ लैपटॉप यूज़ करना है, आप कर सकते हो। आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, उसके बाद आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 32GB रैम भी मिल जाएगी। वैसे ही आपको ग्राफिक कार्ड है, आपको 4GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, 3GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको i5 10th जनरेशन के साथ भी मिल जाएगा, आपको i7 के साथ भी देखने को मिल जाएगा। मतलब जितना पैसा पे करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन इंक्रीज देखने को मिलते जाएंगे। प्लस ये लाइट वेट है, क्लासिक डिजाइन के साथ आता है, इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे मिल जाते हैं, एंड आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था, आप एक बार चेकआउट कर लेना माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 को। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर यार मैंने रखा है HP स्पेक्टर X360 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, वो बहुत पसंद करते हैं इस लैपटॉप को, बिकॉज आपको 4K डिस्प्ले मिल जाती है, आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है, आपको 4K भी मिल जाती है। दोनों में से जो भी आपके बजट में सेट बैठती है, आप उसके और जा सकते हो। प्लस आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, 360 डिग्री पूरा ओपन हो जाता है, 2 कलर्स में आता है, दोनों कलर इसको बहुत सूट करते हैं, डायमंड डिज़ाइन के साथ देखने को मिल जाता है। तो यार इसका डिज़ाइन, इसके कलर, इसके स्पेसिफिकेशन, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। प्लस भाई अगर आप बिजनेस के रिलेटेड कोई भी काम करते हो या ट्रैवल वगैरह भी करते हो, आप इन दोनों लैपटॉप्स को कहीं भी लेकर जा सकते हो। इजी टू यूज़ है, इजी टू कैरी है, कहीं भी आप लेकर जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको 2 लैपटॉप बता दिया जो कि आप अभी परचेज कर सकते हो। अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1.5 लाख अगर आपका बजट हो जाता है, इस बजट रेंज में आपको ये दोनों लैपटॉप मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेके 2 लाख हो जाता है, इस बजट रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेके 2 लाख हो जाता है इस बजट रेंज में, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है Apple MacBook 13 या Apple MacBook Pro। दोनों में से कोई भी आप लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपने 16GB रैम की और मिनिमम जाना ही जाना है, उसके नीचे आपने ही जाना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की, तो बिल्ड क्वालिटी उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी है। अगर आप कलर ग्रेडिंग करने के शौकीन हो, आपके लिए भी बहुत बेस्ट डील होने वाले। स्पीकर्स की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी Apple MacBook में आपको देखने को मिलती है, ट्रैक पैड वगैरह भी बहुत ज़्यादा अपर है, ठीक है। एंड लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाते हैं यार, आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप दोनों लैपटॉप प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट डील अगर आप लॉन्ग टाइम पर काम करते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने अभी आपको इन दोनों लैपटॉप्स के भी बता दिए। मैं आपको डीपली नहीं बता रहा बिकॉज मैं आपको टॉप 5 ही बताने वाला हूँ। मैं आपको डीपली नहीं बताया बिकॉज वीडियो का लेंथ इंक्रीज हो जाता है, फिर मुझे लोग मैसेज करते हैं कमेंट सेक्शन में, कहते हैं भी आपकी वीडियोज़ का लेंथ ज़्यादा होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। सो दैट्स वाई मैं आपको डीपली नहीं बताया। तो भाई अगर आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर मेरा रिप्लाई जल्दी नहीं आता, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, सभी के लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड किया। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, स्नैपचैट हो गया, सभी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यार अभी
मैंने आपको टॉप 5 लैपटॉप बता दिए जो कि फॉर बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा गुड है। अभी अगर आपने अपना बिजनेस खोला हुआ है या खोलना चाहते हो आप लैपटॉप सर्च कर रहे हो एंड अगर आपको बजट 90,000 से लेकर 2,00,000 है इस बजट रेंज में इनमें से कोई भी आप लैपटॉप ले लेते हो आपका पैसा खराब नहीं होने वाला। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को बोले सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक करें, इंस्टाग्राम पर कर ले फॉलो, लिंक वगैरह जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा उसको चालू कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।